गांडेय विधानसभा क्षेत्र के कछैल गांव निवासी मोहम्मद शब्बीर के घर में दिनांक 30 मई 2023 को देर रात्रि अचानक आग लग जाने की वजह से जल गई और इस दौरान घर में रखे हुए सामान जलकर राख हो गए। घटना की सूचना पाकर गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली कछैल गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर स्थिति का जायजा लिया और राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। साथ ही गांडेय अंचल के सीओ साहब सफी आलम से फोन पर बात कर यह आग्रह किया कि पीड़ित परिवार को आपदा की ओर से जो भी मदद दिया जा सकता है वो दिया जाए और उन्होंने आश्वस्त कराया कि हर हाल में पीड़ित परिवार की मदद की जाएगी। इस दौरान जिला अध्यक्ष हसनैन अली ने कहा कि कल देर रात्रि में सूचना प्राप्त हुई थी गांडेय विधानसभा क्षेत्र के कछैल गाँव में अचानक आग लग जाने से शब्बीर अंसारी का घर जलकर राख हो गया है और इस क्रम में मैं आज उनके घर पहुंचा और घटना की जानकारी लेते हुए गांडेय अंचल के सीओ साहब से टेलीफोनिक माध्यम से बातचीत कर पीड़ित परिवार को मदद करने के लिए आग्रह किया। और हसनैन अली ने बताया कि राज्य में चल रही है हेमंत सोरेन की सरकार, आम गरीब जनता की सरकार है, सरकार की ओर से जो भी मदद की जा सकती है वो मैं दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। मौके पर गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिला महासचिव बंटी अली, मोहम्मद इमरान, हनी खान, रोहित दास समेत कई लोग मौजूद थे। हसनैन अली बोल रहे हैं, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष। कह रहे हैं ये एक गांडी विधानसभा क्षेत्र के कछैल गांव में कल रात में एक घर जल गया था। जी जी, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा ना। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, हम कल भिजवाते हैं। मेरा घर मैंने 9:45 बजे आ गया। अब खाने के लिए गए थे नया घर वहाँ का, तब आवाज़ हुआ कि यहाँ से आवाज़ आई इमाम साहब में कि तुम्हारा घर में आग लग गया है। तब हम लोग दौड़ लाए, खाना नहीं, अब यहाँ से सुबह से कुछ नहीं खाए खाना इधर के। आज गांडे विधानसभा क्षेत्र के कछैल गांव में मोहम्मद शब्बीर जी के घर में रात्रि के समय में आग लग गई थी, जिसकी सूचना पाकर आज मैं उनके घर पहुंचा और स्थिति का जायज़ा लिया। साथ ही सीओ साहब को ये कहा गया है कि आपदा विभाग के तहत से जो भी मदद इनको किया जा सकता है वो करें और जो भी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती इनको वो हम चाहेंगे कि कराई जाए। धन्यवाद।